मेरे साथ मेरे जिम ट्रेनर बैच के बच्चे हैं, इंडिया के कोने कोने से आए हुए हैं और दिल्ली से बिहार झारखंड मध्य प्रदेश सब जगह से आए हुए हैं। ये बच्चे हमारे पास जिम ट्रेनर के हैं और ये अभी आके अपनी ट्रेनिंग उन्होंने शुरू की है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेवन डेज डाइट, लास्ट सेवन डेज डाइट फॉर अ कॉम्पिटिशन इन बॉडी बिल्डिंग। आप एक साथ बहुत ही जरूरी है मेंस फिजिक के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए आपका सेवन डेज डाइट क्या होना चाहिए ये मैं आपको दिखाना चाहूँ। ये भी मैं आपको बताने वाले हैं क्या क्या आपको खाना है। पहले सात दिन लास्ट वीक में जो आपके बॉडी को बिल्कुल चेंज करके रख देगा वो डाइट हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप खेती के बारे में आपको बताइए, बॉडी बिल्डर मिस इंडिया फोर टाइम्स ओलंपियन पावर लिफ्टिंग। हम सात दिन पहले जो सातवां दिन था एक वीक पहले हम डाइट शुरू करते फॉर दी मेंस फिजिक। और मान लो आपको एप्स निकालने हैं या कभी आपको पोर्टफोलियो कराना है तो सेवन डेज बिफोर यू हैव टू स्टार्ट डाइट को चेक रहेगी लास्ट सिक्स वीक से क्वालिटी डाइट। लेकिन उसके बाद क्या करना है, नमक मैंने देखा है कि लोग एक हफ्ता एक वीक पहले 10 दिन पहले और फिर पानी ये फैटल हो सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम आपको बताते हैं सातवें दिन जब आज सातवां दिन छह दिन कॉम्पिटिशन को रह गए तो पहला सातवें दिन में क्या था, सातवें दिन पहले जो डाइट भी हमारा है तो डाइट में और फिर छः दिन पहले कार पंक्चर हमारा कार में जो ग्राहक मिलते हैं उसको आप कर प्रोटीन में वही रहेगा सैलरी वही रहेगा फ्रूट्स कम कर देंगे, फ्रूट्स कम कर देंगे और कार्डियो का एक्सरसाइज चलता ही रहेगा। वो पहले तीन वीक पहले शुरू हो जाएगा, चार वीक कार्डियो चलता रहेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं आखिरी दिनों में और ज्यादा वेट ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं, वेट ट्रेनिंग पे नहीं कार्डियो पे ज्यादा। और आपको पोजिंग करना है, पोजिंग बार बार, पोजिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको मस्कुलर करेगा, सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है और बॉडी से पानी भी निकालेगी पोजिंग। 15 से 20 25 मिनट आप सातों दिन पोजिंग शीशे के सामने और अपनी वीकनेस निकालो। नेक्स्ट पाँच दिन पहले हम कार जो हमारा हाफ होता है उसको बंद करते कार मतलब आलू और चावल, आलू और चावल उसको हम वन फोर्थ कर देंगे। और चार दिन पहले उसको जीरो कार्ब कर देंगे सर, सैलेड ठंडा चिकन ये आपके लाइन सर ये चार दिन पहले बिल्कुल जीरो कार्ब्स हो जाएगा। लेकिन एक थोड़ा पानी आप बढ़ा सकते हैं 6-8 लीटर तक पानी पानी पी सकते हो, नमक थोड़ा सा बढ़ा, चलो लीटर ये मुझे नहीं लगता पी पाएंगे क्योंकि 8-10 गिलास तो पहले से ज़्यादा नहीं है, पहले से ज़्यादा पी। हाँ जी, और आगे बॉडी बिल्डिंग करते हैं तीन दिन पहले हम कार लोग करना शुरू करते हैं और मैच मुझे करते हैं तो दो दिन पहले कार लोग। और जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं कार्ब लोड में हम आलू चावल की आलू चावल तीन चार बार कर लेते हैं, पाँच छः बार में पाँच छः बार वाइट राइस और दो दो, ये नहीं कि आधा आधा किलो एक बार खाना बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। दो दो आलू थोड़ा थोड़ा चावल एक एक डेढ़ एक घंटे के गैप में आप देखो करते हैं ऐसे ही रखा दिन में तीन चार बार हाँ चार पाँच। और सलाद ज़्यादा करना वो भी आपको हेल्प करेगा आपको शार्पनेस में भी और एज वेल एज स्किन में ब्यूटीफुल करेगा। सोल्ड पानी जब कम कार बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, पानी के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे बिल्कुल नहीं छोड़ आप छह लीटर पीते हैं उसको चार कर दिया फिर तीन कर दिया दो लीटर एक दिन पहले तक भी दो ढाई लीटर पीना ही पीना ही। और सेम डे भी आपको अगर प्यास लगे मैंने देखा कुछ नहीं करते गिर जाते सिर्फ द वॉटर दैट इज नो प्रॉब्लम। हाँ नमक आपको नहीं खाना और जिस दिन आपका कॉम्पिटिशन है सुबह कार्ब थोड़े लोग कर लेते हैं आलू चावल आजकल कुछ स्पेशल में चॉकलेट खा लेते हैं कुछ ब्राउनी खा लेते हैं हमारे मेथड में नहीं था। लेकिन मेरा बेटा जब शार्प हुआ तो उसके कोच ने बोला जी मैं हैरान हो गया जब उसने पोलियो कराया मैं उनके हैरान हो गया कहता जी मेरे कोच ने बोला है मेरे को चॉकलेट खानी है ब्राउनी खानी है यू कैन गो योर ओन बट वट इज अवर मेथड एंड एक्सपीरियंस दैट इज वॉट। मैं उसको रॉन्ग नहीं कहूँगा पर हमारे लिए ये है सिंपल डाइट, सिंपल डाइट सेवन डेज। सेवन डेज के अंदर आपको बाइक भी नहीं चलानी मैं कभी अलाउ नहीं कर पाता क्योंकि आपने तीन दोस्त डेढ़ साल से
आप अपने फिजिक पे काम कर रहे हैं, पता लगा आपने बाइक चलाई और अपना घुटना तोड़ लिया, स्लिप हो गए, कार एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, साइकिल नहीं चलानी, ताकि आप जाएंगे आपको मस्कुलर कुछ मोच आ गई, चोट लग गया, ट्विस्ट हो गया, सो दिस इज ऑल्सो केयरफुल पॉइंट्स इन योर लाइफ। व्हेन यू आर ऑन पीक यू हैव टू टेक केयर ऑलवेज, क्योंकि ऊपर से गिरा हुआ बंदा कभी नहीं बचेगा, छोटे से गिरे बच जाएगा। तो जब आप पीक पे होते हैं आपको अपनी योर बॉडी इज लाइक अ एग, रॉ एग नहीं होता, कच्चा, आप देखो कितना ब्यूटीफुल लगता है, और जब उसको ऐसे भी एक करोगे तो क्रैक हो जाएगा, फिर उसका ब्यूटी सारा खराब हो जाएगा। एंड दैट इज हमारी जो फिजिक होती है वो उस टाइम बहुत सेंसिटिव डाइट पे होती है, हमें कोई भी फॉलो नहीं करना, और आप कंपटीशन खत्म करते ही कुछ लोग मैंने देखा गाजर का हलवा, बाजरे की रोटी, वो ये भी आफ्टर आप थोड़े से शुरू करें, आप थोड़ा लिक्विड लें, पहले नमक थोड़ा हल्का डाल दें, जूस पी लें, फिर थोड़ी देर में जूस पी लें, फिर कोई हल्का सलाद खा लें, सुबह तक आप थोड़ी हार्ड डाइट ऐसे हैं, स्टार्च वाले में सुबह है, एक दो दिन में फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। आप और बंदों को ये माइंड का सेट का भी हिसाब है, बिकॉज व्हेन यू आर यंग तब लोग क्या होता है बचपन से ही पता लग जाता है जितना बड़ा चैंपियन बनता है। एंड देयर वाज वन क्वालिटी इन मुकेश आई हैव सीन सिंस ही वाज यंग, जब से इसको दो बार अच्छी मार पड़ी ही नेवर डन अ मिस्टेक, अभी भी गलती कभी कभी करता है लेकिन वो बेरेबल है, लेकिन जब इसको इतनी मार पड़ी गोभी भी यहाँ पे, और गोभी भी इधर आना मुकेश जी का कितनी जब बाहर निकाल दिया सब में मिनर करीब को ले लो जिम ले लो, मैंने कहा गया सही, तो उसका असर ये हुआ क्योंकि एक बहुत बड़ा चैंपियन छुपा हुआ था उसको, और वो आज तक चल रहा है, एंड दिस इज प्राउड फॉर अस। और सिर्फ मुकेश तक बात नहीं उठ गई, आगे हमने यंगस्टर तैयार कर लिया, अभी मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको 7 days बिफोर ट्रेनिंग भी दिखाने वाला हूँ, और पावर लिफ्टिंग की कि हम कितनी लंबी अकेडमी लेके चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज द फाइनल डाइट फॉर 7 days, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ नहीं करता, जिसको क्रैम्प आते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि जब ये पानी नमक ज़्यादा छोड़ते हैं उसी का कारण है कि उनको क्रैम्प आना है, वो जो देखो, लेकिन उसके अच्छे दिन छोड़ना, अगर नमक बहुत दिन छोड़ दोगे तो नेचुरली आदमी को हार्ट में भी क्रैम्प आ जाएगी, बच्चे की डेथ हो गई थी धर्मशाला में, और उसके ऊपर से लैसिक्स का गोलियाँ खा लिया, ये सबसे बड़ा फायदा है, आप कभी ये ना करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ये 7 दिन की डायरेक्टरी आप इसको फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच, वी आर कमिंग टू न्यूजीलैंड अगेन, थैंक यू वेरी मच।